सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के पांडव नगर इलाके में शव के टुकड़े की गुत्थी को पुलिस सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस ने एक आदमी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि गिरफ्तार महिला और उसके बेटे ने अंजन दास नाम के शख्स की हत्या की और फिर अपने घर में शव के टुकड़े कर फ्रिज में छुपाकर रखते थे और फिर उसे पांडव नगर इलाके में फेंक दिया करते थे। गिरफ्तार महिला का नाम पूनम है और उसके बेटे का नाम दीपक। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों की वजह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोप तो ये लग रहा है कि महिला ने अंजन दास को नशे की गोलियां खिलाकर फिर उसकी हत्या की है, शव के टुकड़े किए गए। तो दिल्ली से एक और सनसनीखेज मामला दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पर्दाफाश किया है और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, आरोप क्या है महिला पर कि महिला ने अंजन दास नाम के व्यक्ति को पहले नशे की गोलियां खिलाई और उसके ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाद उसकी हत्या कर दी। आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, दिल्ली से ही एक और बड़ी घटना सामने और उसमें दिल्ली पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। जी देखिए, बिल्कुल, क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जून के महीने में एक शख्स के बॉडी पार्ट जो है वो ईस्ट दिल्ली में लगातार पुलिस को मिल रहे थे। करीबन 6 से 7 बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे और उसके बाद क्राइम ब्रांच को पूरा मामला सौंपा गया। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब अपनी तफ्तीश शुरू करी तो उन्हें कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ये पता चला कि एक माँ और बेटे ने मिलकर अपने पिता की हत्या की है और हत्या करने के बाद जो शव के टुकड़े हैं उन्हें घर के अंदर काटा, उन्हें पॉलिथीन में पैक करके फ्रिज में रखा और उन्हें बारी बारी से रोजाना ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर त्रिलोकपुरी के इलाके में डंप किया जाता था। और इसके बाद इस खौफनाक कत्ल की वारदात को अब जून के महीने के बाद नवंबर में दिल्ली पुलिस ने वर्कआउट किया है और आज दिल्ली पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो बेहद ही सनसनीखेज कत्ल की वारदात का खुलासा हुआ है। अवैध संबंधों के चलते माँ ने जो है अपने जो पति हैं उनको पहले नशे की गोलियां खिलाई और उसके बाद अपने पति की हत्या की और उसके बाद पति की जो हत्या करने के बाद जो बेटे और माँ है उन्होंने शव को घर के अंदर ही काटा हथियार से और उसके बाद जो शव के टुकड़े हैं वो कई दिनों तक जो है वो ईस्ट दिल्ली के अलग अलग जंगलों में इलाकों में जो है वो माँ और बेटे जो है वो फेंक रहे थे। आनंद, फिलहाल शुक्रिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं और आनंद ने सिलसिलेवार तरीके से ये बातें बताई हैं कि कैसे ना सिर्फ साजिशन पहले हत्या की जाती है, प्लानिंग के साथ हत्या की जाती है क्योंकि नशे की गोली खिलाया गया उसके बाद हत्या की गई और बकायदा कई दिनों तक इस शव के टुकड़े फेंके गए। ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो उसी खबर से जुड़ी हुई है। ये तस्वीर आनंद का मैं फिर से रुख करती हूँ। आनंद, अब पुलिसिया जांच कहाँ कहाँ तक, ये बड़ी सफलता तो है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना भी बाकी है? जी देखिए, जब क्राइम ब्रांच को पूरा मामला सौंपा गया तो जो एसीपी उमेश भरतवाल है उनकी टीम को यह जिम्मेदारी दी गई कि इस पूरे केस को जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद इस केस को मॉनिटरिंग कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस ने इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज उन्हें खंगाला। जो टेलीविजन स्क्रीन पे आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं इसके आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध नजर आ रहे हैं। उसके बाद डोर टू डोर जो है पुलिस ने अपना जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया, कई लोगों को इन दोनों के जो फोटो हैं उनके स्केच दिखाएगा। उसके बाद पुलिस उस घर तक पहुंची जहां पर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। घर से पुलिस ने कई तरह के जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो बरामद किए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे और विस्तार से आपसे समझेंगे और जानकारी आपसे लेंगे।